बीते शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी छोड़ने से पहले कांग्रेस पर कई सारे आरोप लगाए। पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी पर भी सवालों की बौछार लगाई। पार्टी में रहते हुए उन्हें किन किन हालातों से जूझना पड़ा, इन सब के बारे में उन्होंने जिक्र किया। इतना ही नहीं, वो बताते हैं कि कई सालों से वो पार्टी में लोगों के निशाने पर आ रहे थे। अब सवाल है कि उन्होंने इतने दिनों तक इसे झेला ही क्यों और इस्तीफा देने में उन्हें इतना वक्त क्यों लग गया, इसी पर आज की ये रिपोर्ट देखिए। एक जानकारी के मुताबिक आजाद को सोनिया गांधी ने फोन कर भरोसा दिया था कि जम्मू कश्मीर से जुड़े हर मामले में वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसी को ध्यान में रखते हुए आजाद कई बार G23 के नेतृत्व से दबाव बनाने के साथ ही इसकी मांग भी कर रहे थे। चूंकि सोनिया गांधी ने बीच का रास्ता निकालकर आजाद को उनके गृह राज्य में स्वतंत्र रूप से फैसला लेने का भरोसा दिया था, इसीलिए राज्य प्रभारी रजनी पाटिल और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने आजाद से बात कर उनकी सहमति से कमेटी का गठन किया। इस्तीफे से पहले की कहानी यहाँ से शुरू होती है। जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर जब गुलाम नबी आजाद से चार नाम मांगे गए तो उन्होंने अपनी पसंद के आधार पर नामों की लिस्ट आला कमान तक पहुंचा दी। इसके बाद राहुल गांधी ने राज्य के कुछ नेताओं से बातचीत कर रसूल वाणी को अध्यक्ष बना दिया। बस यहीं से आजाद की नाराजगी शुरू हो गई। दरअसल आजाद चाहते थे कि उनके नामों की सूची से वो दूसरे नंबर के नाम को चुने, क्योंकि राज्य में उन्हें ये जाहिर करना था कि उनके लिए सभी एक समान है और इसीलिए वो एक नाम को खुले तौर पर नहीं ले सकते थे। राज्य के प्रभारी रजनी पाटिल और कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल को बता दिए थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि आजाद के सुझाए नामों में से ही एक नाम को चुना गया, लिहाजा उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। इसके बाद आजाद ने खुलासा किया कि रसूल वाणी को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुलाया और हिदायत दी कि आजाद से नहीं मिले। इसे लेकर रजनी पाटिल भी दावा करते हैं कि आजाद जब रसूल वाणी से मिलने गए तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इतना सब होने के बाद गुलाम नबी आजाद ने नाराज होकर कैंपेन कमेटी के पद को संभालने से इनकार कर दिया। हालांकि वो ये जरूर चाहते थे कि पार्टी की ओर से कोई उन्हें मनाए। कुछ दिनों का इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आया तो उन्हें लगने लगा कि अब पार्टी में कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि रजनी पाटिल ने उनसे बात करने की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इधर आजाद ने इस्तीफे की पूरी तैयारियां कर ली थी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों और विश्लेषणों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें।